कार मैं हूं राशिका बजाज, आप देख रहे हैं जीएन भारत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भले ही पार्टी लेवल पर नहीं हो रहा हो, पार्टियों के सिंबल का प्रयोग नहीं हो रहा हो, लेकिन लोहरदगा, गुमला और रांची जिले के 5 विधानसभा सीटों पर पंचायत चुनाव सियासी रूप से लिया है। जिला परिषद सीट, पंचायत समिति सदस्य पद के सीटों के लिए तो भाजपा और आजसू पार्टी चुनाव मैदान में खुलकर सामने आ गई है। अलबत्ता कांग्रेस और झामुमो पर्दे के पीछे से कोशिश में लगे हैं। कोई भी उम्मीदवार पार्टी लेवल से चुनाव नहीं लड़ रहा, बावजूद कुछ उम्मीदवारों को पार्टी का सक्रिय समर्थन मिल रहा है। दरअसल भाजपा, आजसू, कांग्रेस और जेएमएम की गिद्ध दृष्टि लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले 5 विधानसभा सीटों मांडर, लोहरदगा, बिशुनपुर, गुमला और ससई पर टिकी हुई है। भाजपा चाहती है कि चुनाव में विधानसभा सीटों को गंवाने का बदला जिला परिषद व पंसद के चुनाव में जीत कर मजबूत करे। वहीं आजसू पार्टी भी पूरे तेवर में चुनाव मैदान में है। आज आखिरी डे है नॉमिनेशन का, उसके बाद स्क्रूटनी और जो इलेक्शन सिंबल के जो देने की प्रक्रिया है वो 12 तक चलेगी। उसके बाद हमारा, जैसे आपको पता है, 3 चरणों में इलेक्शन है। इलेक्शन में पोलिंग बूथ में जितनी सामग्रियां चाहिए होती हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर करने, वो सब तैयार हो चुकी हैं। हमारी जो टीम्स जाने वाली हैं हर पोलिंग बूथ में, वो भी तैयार हो चुकी हैं। तो इलेक्शन के ठीक पहले हम लोग उनको डिस्पैच कर देंगे। बाकी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है, उनकी भी एक बार ब्रीफिंग होगी इलेक्शन के पहले, और होपफुली हमारा इलेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैम, कुछ ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से तनाव, जैसे कि मैंने कहा कि हर परिस्थिति के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, जो मजिस्ट्रेट है, पुलिस फोर्स है, वो तैयार है। कैंडिडेट्स को ऑलरेडी पता है कि किस तरीके का आचरण उन लोग को रखना है, और आचरण में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है या आचार संहिता के खिलाफ होता है तो हम लोग उनको इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करेंगे उसके। कांग्रेस का चरित्र ही दोहरेपन का है, और ये छोटे से चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, जबकि चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि किसी राजनीतिक दल को इसमें सहभागिता नहीं देनी है, इसके बावजूद कांग्रेस के लोग पूरी तरह से सक्रिय हैं। और आज मुझे जो जानकारी मिली कि कांग्रेस के एक राज्यसभा के सदस्य जो स्थानीय हैं, उनका जिंदाबाद जिंदाबाद करके और कांग्रेस जिंदाबाद करके ऐसा नामांकन किया जा रहा है, तो मैं चुनाव आयोग से ही आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों का नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि रोजगार एवं शिक्षा की व्यवस्था को सही करने की चुनौती है, और चुनौती के साथ संघर्ष जारी रहेगा, और महिलाओं को हम व्यवस्था दिलाने की काम करेंगे। अहम मुद्दा क्या होगा आपका? अहम मुद्दा सबसे पहले मेरा क्षेत्र के विकास के हेतु तथा शिक्षा एवं रोजगार का मेन मुद्दा मेरे साथ संघर्ष हेतु किया जाएगा। से मैं ये चाहती हूँ कि वे मुझे एक मौका दें और मैं भंडरा प्रखंड का विकास करूँगी। प्रखंड वासियों से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि वे मुझे मौका दें और मैं खुले दिल से काम करना चाहूँगी। प्रखंड वासियों से क्या अपील करेंगे आप? प्रखंड वासियों से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि वे मुझे एक मौका दें और मैं पूरे अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।